आशा तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है दोस्तों, और कुछ दिन का दूरी है क्योंकि आरआरबी ने हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल ड्रीम कम्स ट्रू, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं रेलवे के बारे में, रेलवे का एग्ज़ाम के बारे में, रेलवे को बहुत सारा वीडियो हम लेके आते हैं। तो पिछला दिन हम एक FAQ लेके आए थे ELP के, तो उसके दौरान जो कमेंट आया था कि वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को अभी क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो अभी वेटिंग लिस्ट में जो जो ELP में जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट को अभी क्या करना चाहिए, क्या होगा उनका फ्यूचर, तो इसके दौरान जो वीडियो हम बनाने जा रहे हो, चलिए देखते हैं हम लोग वीडियो। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब है आप लोग रिजेक्टेड नहीं है, कुछ कट ऑफ मार्क्स के भी हिसाब से आप लोग छूट गए होंगे, बट आप लोग का सब प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो आप लोगों का DV हो चुका है, आप लोगों का मेडिकल कंप्लीटेड है, RRB के पास आप लोगों का सब डेटा आ चुका है, और कुछ दिन का दूरी है, अब कुछ ही दिनों में आप लोग रेलवे फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। वैलिडिटी ऑफ वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी ऑफ वेटिंग लिस्ट, कि आप लोगों का जो वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट है, ये आप लोगों का ये पैनल कब तक जारी रहेगा, कान खोल के सुन लीजिए, कब तक जारी रहेगा, जब तक RRB के तरफ से नेक्स्ट रिक्रूटमेंट खत्म नहीं होगा, जब तक उन लोग इम्पैनल्ड होके RRB का फैमिली हिस्सा नहीं बन जाते, तब तक आप लोग रेल का इस जंग में बने हैं, तब तक आप लोग रेल फैमिली का हिस्सा बनने का लायक बन चुके हैं और आप लोग बने रहेंगे। तो ये जो आप लोगों का वेटिंग लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में इतना टाइम क्यों लगता है, आप लोग सोच रहे होंगे हम लोगों को तो जॉब ऑलरेडी मिल जाना चाहिए, आप लोग इतना दिन से वेट कर रहे हैं, रोज आप लोग RRB का साइट देखते हैं कोई अपडेट नहीं है, पर निराश मत होइए, आप लोग ऑलरेडी जंग में है। देखिए प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आप एग्जाम में अपीयर किए कल ही आप लोग रेल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसा मत सोचिए कि देखिए आप लोग वेट लिस्टेड कैंडिडेट है, तो थोड़ा वक्त तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इम्पैनल्ड कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर गया है, उन लोग काम कर रह गया, थोड़ा थोड़ा वैकेंसी क्रिएट हो रहा है। तो इतना देखिए 21 RRB है, 18 जोन है, तो मेनली 17 जोन से मेट्रो को छोड़ के बाकी 17 जोन में रिक्रूटमेंट चलता है। तो ये 17 जोन जब RRB को रिपोर्ट करते हैं, इधर वैकेंसी क्रिएट हुआ है, इधर हम लोगों का शॉर्टेज है, ये शॉर्टफॉल हुआ है, इधर गाड़ी मार खा रहा है, तो ये सब शॉर्टफॉल को क्लियरेंस जब देना चाहिए, तब RRB को जब ये इम्पोर्टेंस मिलता है कि हाँ ठीक है अभी इधर लड़का भेजना चाहिए, अभी गाड़ी मार खा रहा है, तो उसी हिसाब से ना लड़का भेजता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, एकदम बिल्कुल निराश मत होइए, कल आपका ही होगा। मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ कि वेटिंग लिस्ट जो है, ये वेटिंग लिस्ट का पैनल कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटिंग लिस्ट पैनल्स आर देयर। सो फर्स्ट इज द रिप्लेसमेंट पैनल, सेकेंड इज द डाइवर्सन पैनल, एंड थर्ड इज द स्पेशल इंडियन पैनल। सो मेनली आप लोगों को जो नौकरी मिलने का चांस है, वो 90% प्रोबेबिलिटी है रिप्लेसमेंट पैनल से आप लोगों का पोस्टिंग मिलने का, क्योंकि ये बहुत सारा का तरह तरह का रीज़न है, उसके हिसाब से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाता है, उन लोगों का रिप्लेसमेंट के हिसाब से आप लोगों का टर्न आता है। जब आप लोग सोचिए बहुत सारा कारण है, तो आप एक है तो एबसेंट ही, तो आदमी सब प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, कुछ दूसरा जगह नौकरी मिल गया, सोचिए किसी का CGL क्रैक हो गया, किसी का RBI क्रैक हो गया, तो ये तो पहले तो ये रेल का नौकरी का सैलरी तो अच्छा है, बट ये ग्रेड पे है 1900 का, Level 2 का नौकरी है, और इसमें दिन रात का कोई ठिकाना नहीं है। तो आदमी चाहता है कि एक अच्छा सा ऑफिसर लेवल का अगर नौकरी मिल जाता है, तो आदमी उसी में भागता है। सोचिए किसी का JEE हो गया, किसी का NTPC हो गया, तो वो वाला आदमी उन लोग का सब सीट छोड़ के भाग जाता है, तो वो वाला जो वैकेंट सीट है, तो वो वैकेंट सीट कहाँ से लेगा, आप ही लोगों से लेगा, आप ही लोग रिप्लेसमेंट पैनल में है जो उन लोगों को रिप्लेस करेगा। तो एक चीज़ है कि कैटेगरी में मैचिंग होना चाहिए, कोई OBC छोड़ रहा है तो वो OBC को ही लेगा, कोई SC छोड़ रहा है तो कोई SC को लेगा। सेकेंड चीज़ है, कोई किसी का DV में प्रॉब्लम आ गया, सोचिए RRB के पास चला गया, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट में मिल रहा है, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं आ रहा है, CVT 1, 2, 3 तीनों में आप फिंगरप्रिंट दे चुके हैं, उस फिंगरप्रिंट के हिसाब से आपका जब रिपोर्टिंग करने वाला है RRB में कि रेल का डिवीजन में, वो फिंगरप्रिंट कर लेता है, वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से वो मिसमैच, अगर मिसमैच मिला फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अगर सोचता है कि फिंगरप्रिंट मिसमैच है, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। तो ये सब बहुत तरह तरह का रीज़न है, ये सब हिसाब से आप लोगों का किसी कोई आदमी ज्वाइन नहीं कर पाता है, तभी आप लोगों का टर्न आ जाता है। किसी को अगर ये भी हो गया, सब हो गया, ट्रेनिंग में चला गया,
कोई सेफ्टी ट्रेनिंग फेल हो गया 3 बार, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग फेल हो गया, कोई इंटरव्यू फेल हो गया, बहुत सारा रीजन है, बहुत रीजन है। बहुत आदमी का लास्ट तक एंड तक जाके उसका नौकरी नहीं होता है, कुछ दिन के लिए रोक जाते हैं, तब आप लोगों का टर्न आता है। आप लोग उसी टर्न के हिसाब से वेट कीजिए कि उसी तक कब वो टर्न आएगा और आप ही लोगों का नाम वो सामने तक आ जाएगा। ये रिप्लेसमेंट पैनल को छोड़ के और दो को पैनल है, वन इज द डाइवर्शन पैनल एंड सेकेंड इज द स्पेशल इंडियन पैनल। ये पैनल ये पैनल से भी आप लोगों का रिक्रूटमेंट बन सकता है। कि ये डाइवर्शन पैनल क्या है पहले आप लोगों को समझा देते हैं। कि सोचिए आप लोग कैंडिडेट है आरआरबी रांची का, आरआरबी रांची का सब फील्ड कंप्लीट, सब पोस्ट फील्ड हो गया, कोई और वैकेंसीज नहीं है, आप लोग वेट लिस्टेड है, आप लोगों का वेटिंग लिस्ट तब तक जारी है, तब आरआरबी रांची बोल दिया है अभी कोई वेटिंग लिस्ट का कैंडिडेट को नहीं चाहिए। इस दौरान सोचिए आरआरबी सिकंदराबाद में कुछ वैकेंसीज क्रिएट होगी, आरआरबी सिकंदराबाद का वेटिंग लिस्ट में कोई आदमी नहीं है, तो ये क्या करेगा, आरआरबी रांची से कैंडिडेट को मंगवा के सिकंदराबाद में पोस्टिंग कर देगा। तो इसी दौरान आप लोगों का नौकरी तो बन जाएगा, बट प्रेफर्ड लोकेशन नहीं होगा, बट आप लोगों का नौकरी एकदम बन सकता है। कि ऐसा हुआ है कि पिछला साल में आरआरबी कोलकाता में आरआरबी इलाहाबाद का कैंडिडेट को बुला के ज्वाइनिंग करवाया था, उन लोग हम लोगों के साथ ज्वाइनिंग किए, हम लोग जब पूछे आप लोग कब का है, बोला 2013-14 का ज्वाइनिंग है, अभी 2018 में आके हम लोगों का पैनल निकला है, उसी दौरान हम लोग 19 में ज्वाइन कर रहे हैं। तो सोचिए 2014 से 19 5 साल उन लोग वेट किया, बट नौकरी तो मिला, रेल का फैमिली का हिस्सा तो हुए, तो आप लोग एकदम बिल्कुल ही होप नहीं छोड़ना है, आप लोगों का नौकरी मिलेगा ही, आप लोग सिर्फ आशा बना के रहिए। एंड द थर्ड वेटिंग लिस्ट पैनल इज द स्पेशल इंडियन पैनल। वो स्पेशल इंडियन पैनल किसको बोलते हैं, सोचिए आरआरबी को 112 एएलपी को पोस्टिंग देना है, तो ये क्या होगा, आरआरबी 112 आदमी को नाम रिकमेंड कर दिया, उस डिवीजन से 112 आदमी को ज्वाइनिंग मिल भी गया, इसी दौरान उस डिवीजन में और 35 वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस ये 35 वैकेंसी को लेने के लिए ये तो और नया रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीटेड है, 35 आदमी ऑलरेडी वेटिंग में वेट कर रहा है, तो वे 35 आदमी को उधर से उठा के 112 आदमी से मार्च करवा देगा और ये स्पेशल एक इंडियन पैनल जारी होगा। ये स्पेशल डिमांडिंग पैनल है, ये पहले से नहीं पता चलता है कि इन ड्यू कोर्स ये वैकेंसीज क्रिएट होता है, कि पिछला एक भी रिक्रूटमेंट चल रहा होगा, इन ड्यू कोर्स 35 सोचिए कि कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो गया, उस वैकेंसी को कहाँ से लेगा, वेटिंग लिस्ट से लेगा। चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये एक रिप्लेसमेंट पैनल है, आरआरबी कोलकाता ने पोस्ट किया था 1/10/2021 में, इधर रोल नंबर नेम कम्युनिटी एलोटेड कम्युनिटी सब लिखा हुआ है। ये देखिए एएलपी का रिप्लेसमेंट पैनल है, एएलपी इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होता है एएलपी का, एएलपी मैकेनिक एंड एएलपी इलेक्ट्रिकल, तो दोनों विंग के हिसाब से जहाँ जहाँ वैकेंसी निकालता रहता है उसी हिसाब से आरआरबी पोस्टिंग देता है। तो ये देखिए कितना अच्छा है, ये ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा, जिन लोग बहुत कम नंबर से छूट गए होंगे उन लोगों का बहुत जल्दी पोस्टिंग होने वाला है, बहुत वैकेंसीज क्रिएट हो रहा है, बहुत रिटायरमेंट हो रहा है, सिर्फ ईस्टर्न रेल में नहीं बाकी सब इंडियन जोन में, जो फर्स्ट आरआरबी का बैच था तो फर्स्ट आरआरबी का सभी कैंडिडेट का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, उसी हिसाब से जो वैकेंसीज क्रिएट होगा सब आप ही लोगों से फुलफिल किया जाएगा। तो आशा बना के रखिए और प्रिपरेशन जारी रखिए। सो व्हाट इज़ योर ड्यूटी नाउ, आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, इतना मेहनत करके आप लोग वेटिंग लिस्ट तक आप लोगों का नाम लेके आए हैं, इसका मतलब है आप लोग में पोटेंशियल है, यू हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियल टू क्रैक ऑल इंडिया लेवल अदर गवर्नमेंट सर्विस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया लेवल बाकी एग्जाम भरते रहिए, स्टेट लेवल एग्जाम भरते रहिए, आप लोग में उस क्षमता है, मैदान छोड़ के मत भागिए, क्या पता कल आप रेल का कोई ऑफिसर बन गए जिसको एएलपी रिपोर्ट करता है, ये सोच के प्रिपरेशन जारी रखिए, कल आपका ही होगा। सो इंडियन रेल इज द लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इन इंडिया, रेल में अभी अनएम्प्लॉयमेंट को सीनारियों को मुद्दे में रखते हुए हम ये दावे के साथ कहता हूँ कि रेल में नौकरी मिलना मुश्किल है, हाँ मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। मैंने भी एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैं स्क्रैच से शुरू किया हूँ, उसका चलते ये दौरान मैंने जो प्रिपरेशन किया है वो प्रिपरेशन आप लोग अगर कीजिएगा तो आपको भी कल ये नौकरी मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, यकीन मानिए कल भी आप लोग ये नौकरी का हिस्सेदार बनेंगे, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ।
और इस दौरान मैंने जो प्रिपरेशन किया है, कौन कौन सा बुक फॉलो किए हैं, कहाँ कहाँ वेबसाइट फॉलो किए हैं, कौन कौन सा टेस्ट सीरीज दिया हूँ, ये सब आप लोगों को जानना है तो डू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब ऑन माय चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।